हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम देखने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, आग का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सैंधव, ऑप्शन बी वायुशका, ऑप्शन सी सलिल, ऑप्शन डी शक्र। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायुशका। आग के हमारे और पर्यायवाची होते हैं अग्नि, आग, पावक, दहन, हुताशन, ये हमारे आग के पर्यायवाची हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देख लेते हैं, सैंधव घोड़े को कहते हैं, सलिल इसका पर्यायवाची हो जाएगा पानी का, और शक्र पुरंदर और मधवा ये इंद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो गाइज, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायुशका। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अश्व, ऑप्शन बी सैंधव, ऑप्शन सी घोटक और ऑप्शन डी यातुधान। तो गाइज, अश्व घोड़े का पर्यायवाची है, सैंधव घोड़े का पर्यायवाची है, घोटक घोड़े का पर्यायवाची है। तो गाइज, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यातुधान। यातुधान किसका पर्यायवाची है? राक्षस का। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए सिद्ध, ऑप्शन बी अनिषिद्ध, ऑप्शन सी विहित और ऑप्शन डी ग्रहणित। तो गाइज, निषिद्ध का अर्थ होता है जिस पर रोक लगी हो। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विहित। विहित का अर्थ है जिस पर कोई रोक न हो। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, परोक्ष शब्द का विलोम नहीं है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अपरोक्ष, ऑप्शन सी स्थूल और ऑप्शन डी द्रष्टव्य। तो गाइज, परोक्ष का अर्थ होता है जो आंखों से परे हो। तो प्रत्यक्ष इसका विलोम हो जाएगा, अपरोक्ष इसका विलोम हो जाएगा, द्रष्टव्य परोक्ष का विलोम हो जाएगा। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्थूल। स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच, निम्न में से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए रबीजा, ऑप्शन बी तनुजा, ऑप्शन सी सूर्यजा और ऑप्शन डी अर्कजा। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तनुजा। तनुजा किसका पर्यायवाची है? पुत्री का। यहाँ देख लेते हैं हम, ऑप्शन ए रबीजा यमुना का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी सूर्यजा यमुना का पर्यायवाची है, ऑप्शन डी अर्कजा यमुना का। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए बाग में घूमने जाना, ऑप्शन बी साग सब्जी पैदा करना, ऑप्शन सी पिल्लोवन देना और ऑप्शन डी भयभीत करना। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पिल्लोवन देना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है पिल्लोवन देना या झूठा आश्वासन देना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए दुखी होना, ऑप्शन बी अपमान करना, ऑप्शन सी चापलूसी करना, ऑप्शन डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लड़ाई झगड़ा हो जाना। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो हमें इसमें से बताना है कौन किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए सन्यासी, ऑप्शन बी अकाल, ऑप्शन सी अनुग्रहित, ऑप्शन डी आजीविका। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन्यासी। हमें यहाँ ध्यान रखना है सन्यासी में आधा ने नीचे और एक अनुस्वार। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ अकाल में देख लेते हैं क्या गलती है। तो गाइज, सही शब्द होता है अकाल। अनुग्रहित में ऐसे लिखा जाएगा, आजीविका नहीं होता, ये होता है आजीविका। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नौ, शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऑप्शन ए शमशान, ऑप्शन बी शमशान, ऑप्शन सी शमशान, ऑप्शन डी शमशान। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शमशान। हमें क्या ध्यान रखना है, स्टार्टिंग का जो स है वो हमारा आधा होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर दस, जीतने या दमन करने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो गाइज, हमें इसमें बताना है जीतने की इच्छा या दमन करने की इच्छा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जिज्ञासा, ऑप्शन बी तितीर्षा, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी जिज्ञांसा। तो गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिगीसा। आइए इन शब्दों का अर्थ भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी तितीर्षा, यह होती है तैरने की इच्छा। ऑप्शन सी जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा। ऑप्शन डी जिज्ञासा, किसी को मानने की इच्छा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे देश में जय छंदों की कमी नहीं है, में जय छंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो गाइज, हमें यहाँ बताना है यह जयचंदो शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो
तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ जयचंदो शब्द एक विशेष जाति को संदर्भ कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा। आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं, यह हमें बताना है। आइए काउंट कर लेते हैं। सुगंधित एक विशेषण, लोभी दूसरा विशेषण, राजस्थानी तीसरा विशेषण, अवैध चौथा विशेषण। तो कुल मिलाकर हमारे पास कितने विशेषण हैं, चार विशेषण। अब हम विशेष्य काउंट कर लेते हैं। कस्तूरी एक विशेष्य, शिकारी दूसरा विशेष्य, हिरण तीसरा विशेष्य और शिकार चार विशेष्य। तो गाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार विशेषण और चार विशेष्य। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न वाक्य में से किस वाक्य में भाववाच्य है? ऑप्शन ए मोहन पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन बी श्याम पत्र लिखता है, ऑप्शन सी मोहन से बैठा नहीं जाता, ऑप्शन डी पत्र लिखा जाता है। तो गाइस यहाँ वाक्य पढ़ने में ही आपको पता चल जाएगा कि किस में भाववाच्य है। ऑप्शन नंबर सी मोहन से बैठा नहीं जाता, मोहन से बैठा नहीं जाता, राम से खाना नहीं खाया जाता, तो इस तरह के वाक्य में क्या होता है, भाववाच्य। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? ऑप्शन ए तुम आते तो मैं जाता, ऑप्शन बी मोहन आया सीता गई, ऑप्शन सी वह आया था, ऑप्शन डी मैंने आम खाया है। तो गाइज आसन्न भूतकाल की क्या पहचान है, इसमें जिसमें काम अभी अभी समाप्त हुआ हो, तो मैंने काम खाया है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैंने आम खाया है। आइए और वाक्य देख लेते हैं। तुम आते तो मैं जाता, तो जिस वाक्य में आपको तो दिखाई दे और वह भूतकाल में हो तो वहाँ होता है हेतु हेतु मत भूतकाल। ऑप्शन बी मोहन आया सीता गई, यहाँ कौन सा हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। वह आया था, यहाँ काम पूरा हो चुका है, तो यहाँ हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए मक्षिका, ऑप्शन बी हरिद्रा, ऑप्शन सी तैल, ऑप्शन डी सावन। तो आइए गाइस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मक्षिका एक तत्सम शब्द है, किसका तत्सम है, मक्खी का। ऑप्शन बी हरिद्रा किसका तत्सम है, हल्दी का। ऑप्शन सी तैल किसका तत्सम है, तेल का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सावन। सावन का तत्सम क्या होता है, श्रावण। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।